अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है और आज हमारी बारी थी क्या करने की बेटा, एमसीक्यू। एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक बुक आपको मिलेगी, दैट इज एमसीक्यू बुक। और ये एमसीक्यू बुक के अंदर में आप देख सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन हर एक पेज के ऊपर रखे गए हैं जानबूझ करके, एंड नीचे जाकर के आपको इसके क्या मिल जाएंगे, सारे आंसर की मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाओगे, यहाँ पे इसके आंसर्स भी अवेलेबल है, राइट। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है जिसका आंसर आप बहुत आसानी से डायरेक्टली दे पाओगे, जिसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हाँ, जिसके लिए हमें शायद क्या लग सकता है, एक्सप्लेनेशन लग सकता है। इस एमसीक्यू बुक के अलावा आपको कुछ और जनरली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर में हमने सब कुछ कवर करके रखा है, बीट मॉड्यूल, बीट पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, बीट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ इसी के अंदर में कवर्ड है। तो इसके अलावा अपने को एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अगेन पेंसिल से टिक कीजिए, लिखना भी है तो पेंसिल से लिखिए, ताकि क्या होगा, एटलीस्ट जब आप वापस से सेल्फ स्टडी करोगे और खोलोगे कि यार चल खुद से कर दे, यू नो, एमसीक्यू एक ऐसी चीज होती है जहां पे ऐसा होता है कि आपने एक बार टिक कर दिया तो बाद में ऐसा लगता है कि यार चल वही वाला तो आंसर तो हमने सामने देख लिया, फिर आदमी वापस सोचता नहीं है। ये अगर आपने पेंसिल से लिखा और बाद में रबर से मिटा दिया तो आप वापस से एक बार थॉट दोगे कि यार इसका आंसर ये क्यों और ये क्यों नहीं, राइट। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है। पहला, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट है तो आपका आंसर एक मिनट में आ जाएगा, पर अगर ये क्वेश्चन घुमा करके दिया गया है तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट रिकॉल करना, क्या करना, कॉन्सेप्ट रिकॉल करना कि यहां पे हमने क्या पढ़ा था, और आपको आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर एक से ज्यादा लगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ही उसका क्या होता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, तो दोनों भी सही लगते हैं, राइट। बट मोर लॉजिकल आंसर उसके एक्सप्लेनेशन में होगा कि यही इसका आंसर क्यों है। यस, याद रखना हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो वो चीज हमें करनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कॉन्सेप्ट लिखते वक्त, एमसीक्यू बुक बनाते वक्त हो सकता है एक आध बार गलती, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, एक आध बार गलती हो सकती है। तो एक बात बस याद रखना, अगर ऐसा कुछ होता भी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या मैं आपको तुरंत इस वीडियो के अंदर में बता सकता हूं कि ये आंसर ये होना चाहिए रादर देन दिस। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे फिर। से यस, से यस, राइट। चलिए चालू करो बच्चे, सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ ट्राई करो। इकोनॉमिक नहीं, एमसीक्यू बुक दे। हाँ जी, क्या बोलते हैं भाई, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड्स डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, बताइए डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स। ये बात ट्रू है क्या? यस, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आवर रिसोर्सेज। ये भी ट्रू है। यस, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। यस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पे हम फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो एक ही चीज होगी। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी हमको यही चीजें मिलेंगी सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइड द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इनकॉर्पोरेट टूल फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, बी एंड सी। वैसे अगर वह देखा जाए तो आंसर इसका होना चाहिए बी एंड सी। पहला आंसर क्यों नहीं होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर क्या हमारे पास सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है? नो, हमारे पास माइक्रो प्लस मैक्रो। अगर इस ऑप्शन के अंदर में माइक्रो एज वेल एज मैक्रो होता तो आंसर फिर ए बी एंड सी होता। यस, हमने सिर्फ ए सिलेक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इसलिए ए आंसर ना हो करके सिर्फ बी और सी रहेगा। समझ में आया? इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्केर्सिटी टू मीन, बताइए स्केर्सिटी है, कैसी स्केर्सिटी है? एब्सोल्यूट स्केर्सिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। क्या एब्सोल्यूट स्केर्सिटी है या रिलेटिव स्केर्सिटी है? आप मुझे बताइए, एब्सोल्यूट मतलब वो क्या है ही नहीं प्रोडक्ट हमारे पास, या है पर कम में अवेलेबल है? सो रिलेटिव स्केर्सिटी
इन रिलेशन टू वांट्स ऑफ सोसाइटी, बिकॉज आप बताइए वांट्स कैसी है बेटा, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेस कैसे है बेटा, स्केयर्ड। इसीलिए हमारे पास रिलेटिव स्केयर्सिटी है। What implication does resources scarcity have to the satisfaction of wants? बताइए scare, अच्छा क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ। What implication does resource scarcity have on satisfaction of want? Resource scarcity के कारण wants पे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे पास resources scarce है तो मेरी wants पे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या वो पूरी होगी या पूरी नहीं होगी? पूरी नहीं होगी। ऑप्शन ए, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ऑप्शन बी, वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइस। खैर ये तो पॉइंट गलत ही है। वी मस्ट डेवलप वे टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स। बताइए जरूरतें कभी कम होने वाली? तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्स इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स। ये तो वो बता रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, हम डिस्कवर करेंगे, लेकिन आज वो एक सीधा क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या इंप्लीकेशन होगा स्केयरसिटी का हमारे वांट्स के ऊपर? नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, दिस सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट। फिफ्थ, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, आंसर नहीं देखना, ट्राई करो सॉल्व करने का। बताइए Which of the following is a normative sentence? Can you please tell me normative मतलब क्या होता है पहले तो? What it should be? क्या normative का ये meaning होता है? Normative का meaning क्या होता है? Everybody? आपको नहीं लगता हमें तुरंत इस बात को search करना चाहिए कि normative क्या होता है? आपके पास फोन है सभी के पास? निकालो इंस्टा बाद में देखना, पहले सर्च करो नॉर्मेटिव सेंटेंस मतलब। जिसको आ रही है उसका देख ले, बाजू वाले का देख ले। क्या है मीनिंग? क्या मैं कह सकता हूं फॉर्मली इसे क्या कहा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इज दिस ट्रू? मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमी हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फेलिंग आउटपुट एंड राइजिंग द प्राइस ओवर द पास्ट डिकेड। There is a greater degree of consumer sovereignty in market economics than planned economics. Reducing inequality should be a major priority for a mixed economy. बताइए इन सब में एक formal statement क्या है, एक established statement क्या है? आपको नहीं लगता ऊपर के तीन तो खैर हमने अलग अलग economy के type बताया, लेकिन ये उन्होंने एक straight formal sentence दिया है। अगर आप D की बात करें, Reducing inequality should be the major priority of mixed economy. सबसे पहले याद करो mixed economy क्या होता है। Mixed economy के अंदर में क्या private player भी होते हैं मेरे बच्चे? क्या government player भी होते हैं मेरे बच्चे? और क्या करता है private player? Profit बनाने की कोशिश करता है, whereas government क्या करने की कोशिश करता है? Welfare. इससे क्या आती है? Equality. So reducing the inequality should be a major priority of mixed economy. Should be the answer. नॉर्मेटिव का मतलब होता है एक का दूसरे के साथ रिलेशन सेट करना। पहले लिखिए सेटिंग द रिलेशन विथ अदर, सेटिंग द रिलेशन विथ अदर।
अब ये आंसर क्यों नहीं, कोई रीजन बता सकता है? व्हाई नॉट ए? व्हाई नॉट ए? एवरीबॉडी, व्हाई नॉट ए, बी, सी? हमने इसका आंसर डी क्यों लिखा, मेरे को ये नहीं समझ आया। सर आपने बोला, हमने लिख दिया, खत्म हो गया मैटर। सर पहला, वो किसी एक चीज का दूसरे चीज के साथ रिलेशन सेट करने का बोल रहा है, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बनाने का बोल रहा है। अब एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है? प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेट करती, ये एक का दूसरे के साथ सेटिंग नहीं है, वो बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है। दूसरा, मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमी हैव एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड रेजिंग द प्राइस, ये बता रहा है कि जनरली ट्रेडिशनली ये होता आया है, उसका हमारे पूरे स्टेटमेंट से कोई लेन देन नहीं है। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमिक्स देन प्लान इकोनॉमिक, प्लान इकोनॉमी में ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी होता है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, आस्क मी व्हाई, क्योंकि अगर ये प्लान इकोनॉमी है तो हर चीज किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी तो होती ही नहीं। हेंस ये तीनों लाइन जो है ये करेक्ट आंसर ना होकर के चौथा करेक्ट आंसर है। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्केर्सिटी इंपोजेस अ लिमिटेशन ऑन ए बी सी डी, बताइए किस किस के ऊपर लिमिटेशन आता है? हाउसहोल्ड के ऊपर लिमिटेशन आता है क्या? बिजनेस फर्म के ऊपर आता है क्या? गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशन होता है? नेशन एज ए होल पे भी लिमिटेशन होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन में हमको चारों दिख रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में वो बोल रहा है सिर्फ लिमिटेशन है किसके लिए? हाउसहोल्ड और बिजनेस के लिए। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस तो सबके लिए स्केर्ड है, गवर्नमेंट के लिए भी स्केर्ड है, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉट फेडरल गवर्नमेंट, वो बोल रहे हैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इशू नहीं है। इज इट करेक्ट और अगेन इनकरेक्ट? अगेन इनकरेक्ट। हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट बट नॉट बिजनेस फर्म, अगेन इनकरेक्ट। अगर देखा जाए रिसोर्सेज इज स्केर्ड फॉर ऑल्स, रिसोर्सेस आर स्केर्ड फॉर ऑल, ये सबके लिए स्केर्ड है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। अरे जाओ चैलेंज है, तुमने सेवेंथ एमसीक्यू बता दिया तो। मैक्रो बोल रहा है बॉस, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। यहां पे आप क्या गलती कर देते थे? अप्लाइड अगर डाल देते थे तो क्या हो जाता था? छह महीने चन्ना मेरिया। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, हमें एक इकोनॉमिक एनालिसिस ढूंढना एंड दैट टू पॉजिटिव। एन एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस्ड, डिटरमाइन हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, डिटरमाइनिंग द प्राइस फॉर द फूड, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। इसमें से एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस ढूंढ के बताइए। चलो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस ढूंढ के निकालना है हमें। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटेड, एक मिनट, कितना इनकम एक पर्सन अर्न करेगा, क्या ये इकोनॉमिक्स का मैटर है? नहीं। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ द फूड, एक फूड का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए, ये भी इकोनॉमिक्स का मैटर है? नहीं। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का आउटपुट डिसाइड करना भी हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर है रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करना है, आउटपुट कितना निकलेगा एक इकोनॉमी से, ये भी हमारा मैटर नहीं है। आंसर इज ए, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड द क्वांटिटी परचेस्ड। ये कैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ? वो ये देखते हैं कि भैया आप कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी परचेस कर सकते हो, यही तो इकोनॉमिक सिचुएशन बता रहा है कि आपके पास प्राइस जो है, मनी जो है, ये क्या है बेटा? लिमिटेड।
और वॉन्ट्स जो है ये कैसी है, अनलिमिटेड। तो प्राइस के मुकाबले कितना क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स का एक फैक्टर बनता है। नीचे बचे हुए तीन इकोनॉमिक का कोई इक्वेशन ही नहीं है। पॉइंट नंबर वन, डिटरमाइनिंग एक आदमी कितनी इनकम अर्न करेगा। आप मुझे सोच के बताइए विजय सारडा कितनी इनकम अर्न करेगा, ये क्या इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगा? नहीं। आप ये बताइए कितना फेयर प्राइस होना चाहिए फूड का, ये इकोनॉमिक डिसाइड करेगा? नहीं। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्टिंग, वो डिसाइड करता बैठेगा कि प्राइस कितना आएगा क्या आएगा। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना आउटपुट आ रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, क्योंकि आउटपुट कितना निकलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कई चीजों के मामले में। सो दीज आर नॉट इकोनॉमिक फैक्टर। These are not economic factors. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील कीजिए। A study of how to increase in corporate income tax will affect the national unemployment rate. आप बताइए। नहीं, माइक्रो माइक्रो, परफेक्ट, आप जीते। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच, कौन सी चीज इसमें मैक्रो नहीं है ये सर्च करना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंडिया का माइक्रो और मैक्रो? मैक्रो। Identifying the cause of inflation, macro. Analyze the cause of failure of industry, macro. Answer is B. ABC Limited क्यों फेल हुआ, छोटा यूनिट, सिंगल यूनिट। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम कह रहा है मेरे कॉर्न जो हुए वो इस साल बेकार हुए। किशन कह रहा है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई। विनोद कह रहा है क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर आर बैड अदर्स आर गुड। मधु कह रही है गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट अवर इनकम विल नॉट फॉल। इन दिस कन्वर्सेशन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज मधु। सर वाई मधु, वाई मधु, एनीवन प्लीज टेल मी वाई मधु। अच्छा कृष्णा क्यों? तो वो कौन सा रिलेशन सेट कर रहा है? अच्छा वाई नॉट राम, राम कोई रिलेशन सेट कर रहे हैं, कुछ स्टैब्लिश कर रहे हैं? नहीं, कि वो एक जनरल पर्पस स्टेटमेंट दे रहे हैं, जनरल पर्पस। सो राम के आगे लिखिए इट इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। राम के आगे लिखना है इट इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, तो राम तो अपने पिक्चर से बाजू उड़ गया। विनोद क्या कह रहा था, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट क्रॉप यील्ड, सम ईयर आर गुड सम ईयर आर बैड। ये भी कोई रिलेशन सेट कर रहा है क्या? ये ना विनोद भी नहीं है। अगेन वहां पे लिखे जनरल स्टेटमेंट, वो भी एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है, क्लाइमेट अच्छा रहा तो फसल अच्छी आती है, ये अच्छा रहा तो वो अच्छा होता है। ठीक है, अब बचते हैं दो, कृष्णन और मधु। कृष्णन कह रहे हैं डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई। और मधु कह रही है गवर्नमेंट हैज टू गारंटी दैट हमारी इनकम कम नहीं होनी चाहिए। अब बताइए दोनों में से नॉर्मेटिव कौन सा हुआ? थोड़ा सोचो, एक बार नहीं समझ में आया दो बार सोचो, दोनों बार उस लाइन को पढ़ो, कृष्णा क्या बोल रहा है किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में और मधु क्या कह रही है। कंपनसेट मतलब वो देंगे हमें।
आंसर इज मधु. व्हाई? बिकॉज शी सेटिंग अ रिलेशन विद गवर्नमेंट. कृष्णा क्या बोल रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी के साथ वो सेट ऑफ हो जाएगा. लेकिन एक किसान के लिए सोच के देखिए, उसका इनकम कम नहीं होना चाहिए. किसकी जिम्मेदारी बनती है बेटा? गवर्नमेंट की. तो वो कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है प्राइस इंक्रीज होगा तो ये होगा. मधु क्या कह रही है? भैया कुछ भी हो, प्राइस इंक्रीज हो, खेत गए, कुछ भी गए, गवर्नमेंट हैज टू गारंटी कि हमको मिनिमम इतना इनकम आना ही चाहिए. हेंस मधु हैज करेक्ट आंसर. मधु इज राइट आंसर. कृष्णा हैज गॉट अ स्टेटमेंट. यहां पे इनकम अगेंस्ट क्रॉप टू बी गारंटीड बाय गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 12. मैं तो कहता हूं ऑल ऑफ द अबव कर दो. कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैर्सिटी. अ प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक वेयर मोस्ट पीपल वेयर फार्मर, अ मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज बिलियनेयर, एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स मेंबर, या नन ऑफ द अबव. क्यों? कितना भी कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. तो जाओ वहीं के मजे ले लो. आप कितनी भी कोशिश कर ले, सम ऑफ द अदर रिसोर्स विल बी स्केयर्ड. तुमने अगर सबको बिलियनेयर बना दिया तो भी रिसोर्सेस स्केयर रहने वाले हैं, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहने वाली है. कुछ भी कर लिया तो भी, बाजू में रीजन लिखिए, द रिसोर्सेस विल बी स्केयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग. Then, 13 पे जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ए बी सी या डी? इज इट डी? नेशनल इकोनॉमिक एनुअल ग्रोथ इट्स अ मैक्रो इशू. बाजू में लिखे दिस इज अ मैक्रो इशू. बताइए साहब, बताइए. Which branch of economic deal with the problem of allocation of resources? Micro या macro? Micro. Yes, macro national issue handle करता है, resources कम है, ये micro issue handle करता है. Chiller. Question number 15th. Which of the following is not a subject matter of business economics? कौन सी चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं है? ढंग से देखो, अच्छी से देखो. ए बी सी या डी? डी.
बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। वाई डी ये भी बता दो, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की ओर वर्क करता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मैटर कौन से इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाजू में लिखिए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Which of the following is a normative economic statement? C. Minimum price should be raised to 200 rupees every day. एक गलती जो आप करेंगे एमसीक्यू पढ़ते वक्त, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहेंगे और किताब के अंदर में नहीं देखेंगे। बिलीव में आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर ये एमसीक्यू इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एवरीवन, हर एक जन क्वेश्चन को देखो, चारों आंसर को देखो, टाइम लगे चलेगा। हम पहली बार एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लगेगा चलेगा। कुछ स्टेटमेंट समझने में तकलीफ होगी, कुछ इंग्लिश समझने में तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपने सिर्फ स्क्रीन देखा और हाँ ये मैंने टिक किया इसलिए मैं भी टिक कर रहा हूं, और आप रीजन नहीं लिख रहे हैं, तो आज आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। और रीजन अगर नहीं पूछ रहे तो दूसरी भी सबसे बड़ी गलती करेंगे। आज द रीजन एंड चेक ईच एंड एवरी आंसर। चेक करो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग 17th, which of the following would be considered as topic of study in macroeconomics? Which of the following should be considered as a topic of study of macroeconomics? कौन सी चीज हम macroeconomics में पढ़ेंगे? This is the question. Question number A, the effect of increase in wages on profitability of a cotton industry. Effect of steel price where more steel is imported. Effect of an increasing inflation rate on living standard. Or effect of an increase in the price of coffee in tea consumption. C. Sir, why not A, B and D? वो सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे सेक्टर की बात नहीं कर रहे। Hence, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आंसर शुड बी C. बाजू में रीजन लिखिए, ए बी एंड डी टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिव इंडस्ट्री, दे आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिव इंडस्ट्री। चलिए 18th इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। बताइए सर, ए बी सी या डी? आंसर इज बी। सर वाई? स्ट्रेट लाइन है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स डिस्क्राइब करता है, जबकि नॉर्मेटिव रिलेशन बताता है गुड और बैड ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। दिस अ डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी? कौन सी चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आती? आई थिंक ये तो एक मिनट का जवाब था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिजनेस रिस्क एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग, तीनों भी इकोनॉमिक्स के पार्ट है। बिजनेस चालू करते वक्त आप कैपिटल देखते हो, कितना लगाना है कितना नहीं। आप रिस्क देखते हो कि ये बिजनेस में रहना है या नहीं। आप बिजनेस साइकिल देखते हो, याद है बिजनेस साइकिल इनिशियल ग्रोथ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आप बिजनेस साइकिल भी देखते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं देखते, बिकॉज बिजनेस हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ एक्टिविटी आफ्टर द बिजनेस ट्रांजैक्शन।
अकाउंटिंग इज अ एक्टिविटी आफ्टर द बिजनेस ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. अकाउंटिंग इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. है क्या बेचारे के पास? तीन तो मूल मंत्र है क्या बेचारे के पास? तीन तो मूल मंत्र है. तीन में क्या ही कर लेगा लाइफ में. चलिए जी, 20 एमसीक्यू तक के पहुंच रहे हैं आप. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हर एक जन ट्राई करो, हो सकता है गलत हो, लेकिन ट्राई करो. हमें इनकरेक्ट चीज ढूंढना है. बिजनेस इकोनॉमिक इज नॉर्मेटिव इन नेचर. ये तो करेक्ट है. बिजनेस इकोनॉमिक हैज क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स. ये भी करेक्ट है. बिजनेस इकोनॉमिक नीड नॉट टू वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल. छी चिल्लर. यही तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मैक्रो प्लस माइक्रो बोथ आते हैं. इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड एज स्केयर्स रिसोर्स बिकॉज दे cannot be increased in quantity. क्या quantity increase की जा सकती है? Yes. Or they are not in adequate quantity. What is the issue? They are not in adequate quantity. In a free market economy. Stop. Free market economy मतलब ये capitalism की बात कर रहे हैं, socialism की बात कर रहे हैं, mixed की बात कर रहे हैं? Capitalism. In a free economy, allocation of resources is determined by voting done by consumer, central planning authority, consumer preferences, or level of profitability. Very good. सब तो जम रहा है यार तुमको. Free economy, arrow करके लिखो. Capitalist economy. A capitalist economy uses as the principal means of allocating resources. बताइए capitalist economy कौन सी चीज को use करती है resource allocate करने के लिए? सीधे सीधे शब्द है, आपको बताना है क्या determine करता है. Uses as principal means of allocating resources. Price. Sir, why? बताइए. सर जाहिर सी बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मतलब फ्री इकोनॉमी है. फ्री इकोनॉमी है मतलब जहां प्राइस प्रॉफिट ज्यादा होगा वो काम करेंगे. तो जो मेरे को ज्यादा प्राइस दे रहा होगा वो मेरे लिए रिसोर्स, मैं उसको एलोकेट करूंगा ना. जो मेरे को ज्यादा प्राइस देगा मैं रिसोर्स उसको एलोकेट करूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट. सो डिमांड. सी ये आएगा मेरे से प्रोडक्ट. सी मैं एक प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी हूं. ये आएगा मेरे से 20 रुपए में मंगेगा. आपको तो मालूम है ये आदमी. ये आएगा 20 रुपए में मंगेगा. ये आएगा 30 रुपए में मंगेगा. बताइए मेरे को, अगर प्रॉफिट बनाना है, मैं प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री हूं, मैं 20 वाले को दूंगा 30 वाले को दूंगा? तो डिमांड मेरे लिए इशू है या प्राइस मेरे लिए इशू है? सीधी सी बात है. बाजू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए भले. प्रॉफिट बनाना है तो जो ज्यादा प्राइस देगा वो रिसोर्सेज लेके जाएगा. डिसएडवांटेज पूछ रहा है वो. क्वेश्चन देखिए काय पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम. स्टॉप. कोई प्लीज मुझे बता सकता है क्वेश्चन काय पे बेस्ड है? क्वेश्चन काय पे बेस्ड है? इज इट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे क्वेश्चन बेस्ड है या सोशलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट. क्योंकि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मार्केट सिस्टम. अब वो पूछ रहा है डिसएडवांटेज. सीधा सीधा इसका आंसर मिलने वाला है डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में.
इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पीपल डू नॉट गेट द गुड्स ऑफ देयर चॉइस, ये तो कंप्लीटली गलत है. मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, ये भी गलत है. ये भी सही है, ये भी गलत है. गलत है. प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, ये तो कतई जहर. यानी आंसर क्या बनने वाला है? ए. इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अमीर और ज्यादा अमीर बनते जाएगा, गरीब और गरीब बनते जाएगा. यही तो डिसएडवांटेज है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी. डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. बच्चों सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है सारी चीज. पच्चीस, 25, टेक योर ऑन टाइम, आराम से सॉल्व करो, क्वेश्चन को देखो और फिर डिसाइड करो, कोई जल्दी नहीं है. A, B, C, D. Which of the following statement does not apply to market economy? Market economy मतलब capitalist economy. क्या apply नहीं करता? Point number one, firm decide whom to hire and what to produce. ये तो सही है, ये तो apply करता है. हमें not apply वाला ढूंढना है, ये तो apply करता है. Firm attain maximum profit, correct? ये भी apply करता है. Household decide which firm to work for and what to buy for their इनकम, ये भी करेक्ट है. कंज्यूमर डिसाइड करता है. आंसर एक ही बचता है फिर. फोर, गवर्नमेंट पॉलिसी आर प्राइमरी फोकस्ड, गलत. गवर्नमेंट का तो ये रोल यहां पे क्या होता है? मिनिमम. गवर्नमेंट रोल इज मिनिमम. हमें डू नॉट अप्लाई वाला ढूंढना था. अरे जाओ तुम, क्या बता पाओगे? 26. In a mixed economy, all decisions are taken by central, wrong. All decisions are taken by private, wrong. They are partly taken by state and partly taken by true. Central economic problem in economic, बताइए कौन सी central economic problem है हमारी? Comparing the success of command versus market economics. No, ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं. गारंटिंग द प्रोडक्शन ऑकर्स इन मोर एफिशिएंट मैटर, नहीं, ये भी हमारा इशू नहीं है. हमारा इशू क्या है बेटा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड. क्या मैं इसे कह सकता हूं ये सीधा क्वेश्चन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक मिनट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन काय पे बेस्ड है? हाउ टू प्रोड्यूस. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है मालिक, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो. आराम से करो, धीरे धीरे करो, हमें कोई जल्दी नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें पूरे एमसीक्यू आज खत्म करने, जितने होंगे आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझ के जाएंगे. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूजन इन, बताइए कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन को पैसा लगेगा, कौन सी? लेबर सरप्लस इकोनॉमी में यूज करोगे इसे? नहीं. कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी में यूज करोगे? यस. उसका डेवलप्ड और डेवलपिंग से कोई लेन देन नहीं है. क्यों? हमारा कंट्री डेवलपिंग है, इसका मतलब यह है क्या कि हम ऑटोमेटिक मशीन यूज नहीं करते? हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं, पॉइंट ये है जिसके पास पैसा होगा वो ऑटोमेटिक मशीन लगाएगा. सो हमें कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी ढूंढनी है, मैटर खत्म.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चन. आंसर शुड बी बी. When to produce? एक मिनट, एक एक चीज को देखते हैं. How goods are produced? How to produce? Who consume what? For whom to produce? Who produce what के बाद who consume what? Rich or poor? When to produce is not a question. कब उगाना है ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर. मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा. मेरे को क्वेश्चन समझाओगे? क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी गुड. लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर. हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स. ज्यादा मशीन, ज्यादा प्रोडक्शन. एमसीक्यू पार कर लिए सर. अगर पांच एमसीक्यू में से अगर आपको एकाध भी नहीं जम रहा है तो आप बहुत सही सिचुएशन में. पांच में से अगर चार नहीं जम रहे और एक ही जम रहा तो यू नीड टू स्टडी अगेन. सिंपल इक्वेशन. हर एक आप लोग को सारे जम रहे हैं बच्चे? एकाध इधर उधर दैट्स ओके, वो समझने वाला इशू है. तो एक से दो एमसीक्यू अगर आप यू नो पांच में से अगर एक से दो भी आपको यू नो डिफिकल्टी हो रही है कि यार इसका आंसर ये क्यों आ रहा है तो दैट्स ओके, यू आर इन अ परफेक्टली फाइन सिचुएशन. पांच में से पांच या चार भी अगर ऐसा लग रहा है कि तो आपको एक बार वापस पढ़ने की जरूरत है. क्वेश्चन याद रखिए, एमसीक्यू कभी भी सीधे नहीं आते. आप जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हो ये एग्जामिनेशन है बेटा, समझ रहे हो? ये एग्जामिनेशन एक इंडिया की टॉप लेवल एग्जामिनेशन है. यहां पे आपको डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आने वाला. बहुत रेयर सिचुएशन होगी पांच में से एक एमसीक्यू जो रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा. अदरवाइज आपके अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन बनने वाला है. द इकोनॉमिक सिस्टम इन मींस ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट. लला लला ला 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 ला. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी. किसमें मिनिमल होने वाला है? सोशलिज्म, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट इक्वालिटी लाती है. एडमिनिस्टर्ड प्राइस रिफर टू. एडमिनिस्टर्ड प्राइस मतलब एक ऐसा प्राइस जिसको कंट्रोल किया गया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है. एडमिनिस्टर्ड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, जिसको अपन एमआरपी भी बोलते हैं ना. वो क्या है बेटा? एडमिनिस्टर्ड प्राइस है कि भैया इससे ऊपर. अब कहते हैं गवर्नमेंट एमएसपी भी लेके आता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस धान वगैरह के लिए, कि भैया इतना ही मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इतने में ही एक्वायर करना पड़ेगा, आप इससे कम नहीं कर सकते. इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, बताइए.
क्या लग रहा है, ए बी सी या डी? एवरीबॉडी प्लीज चेक. सेंट्रल इकोनॉमिक इशू क्या है? कंज्यूमर डू नॉट हैव मच मनी. एक मिनट, मनी तो इश्यू हो नहीं सकता क्योंकि किसी के लिए ज्यादा हुआ किसी के लिए कम होगा. देयर विल ऑलवेज बी अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. गलत. रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे. गलत. आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. गलत. क्वेश्चन देखो क्या है. स्केयरसिटी का डेफिनेशन किसने दिया है? इकोनॉमिक्स का नहीं सर. स्केयरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. भाई साहब वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, स्केयरसिटी की बात कर रहे. एंड द आंसर इज रॉबिन्सन. रॉबिन्सन. अरे जाओ, एट्थ बताने में दम लगता है, तुम नहीं बता पाओगे. साइंस डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव. क्योंकि यहां पे मोटिव सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट. देयर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज बोथ ए एंड बी. द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज. Answer is, it enable that all problem will be appropriately tackled, or it enable to examine a problem in its right perspective. C. Sir, all problem will be appropriately tackled. ये नहीं हो सकता. Reason is, कोई भी solution निकालने से पहले आपको problem पता होनी चाहिए. So third answer में दोनों चीज लिखी है. एग्जामाइन द प्रॉब्लम इन द राइट परस्पेक्टिव ताकि वो राइट आंसर आए. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. क्या मैं कह सकता हूं ये तो साला इतनी बार हुआ है कि आंसर भी दूसरे ऑप्शन में नहीं पढ़ना हमको. 43 ब्रो, 43, कम ऑन. आंसर ए का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिसिंग है, वहां पे इकोनॉमिक्स करना है. आंसर इज बोथ ए एंड बी प्रभु. 44 सॉल्व. इज इट माइक्रो इकोनॉमिक इशू? परफेक्ट. हाल फिलहाल में तुम्हारा क्या चालू है मालूम? तुम लोग बहुत सही पोजीशन पे हो. पांच में से एक या दो क्वेश्चन में तुम इधर उधर भटक रहे हो, बाकी के आंसर बिल्कुल सही निकाल रहे हो. सो यू आर गोइंग गुड, वेरी गुड. प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ. अरे मेरे को तो पढ़ने दो जीवन में. हाँ ना, आ गया तो ऐसे भाग रहे जैसे कि. डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी. सोशलिस्ट. Economics is a study of mankind in ordinary business of life,
वॉज गिवन बाय, वैसे ही एक ओल्ड क्वेश्चन है, आंसर है इसका एल्डॉफ मार्शल। ये एक ओल्ड क्वेश्चन है, अल्फ्रेड मार्शल। मीन्स आर, कुछ भी चिल्लर क्वेश्चन पूछते हैं। टाइम एलिमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या ये कैलेंडर टाइम है, क्या ये घड़ी का समय है, क्या ये ऑपरेशनल समय है? इज इट ऑपरेशनल टाइम? इसके लिए तुम कोई किताब नहीं भी पढ़ते तो तुम्हें ये कॉमन सेंस के साथ दे सकते थे। भाई साहब हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए बहुत उमदा पारी विराट कोहली। ए क्या, कौन फाइनल में कौन गया? पहली बार ही बनी है ना ये टीम, डायरेक्ट उधर। कैप्टन कौन है फिर? सही है ना भाऊ, उसका काम वैसे ही जोर में रहता, उसने बहुत अद्भुत काम करके दिखाया भारत में, है कि नहीं? डायरेक्ट अद्भुत काम ही किए थे भाऊ ने, सही है। अमित शाह की टीम है भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तुम्हें सही नहीं गलत ढूंढना है। ओ भाई साहब गलत ढूंढना है, चिल्लर। फंडामेंटल प्रिमाइसेस ऑफ इकोनॉमिक्स, किस चीज इकोनॉमिक्स का क्या बेसिक फंडामेंटल है? क्या बेसिक फंड है इकोनॉमिक्स का? पूरी चीज पढ़िए साहब, पूरी चीज पढ़िए। देख के बोल रहा है, बताइए सर, ए बी सी या डी? सी। हम वो अल्टरनेटिव चूज करते हैं जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे। किस चीज पे बेस्ड है, मतलब एक फंडामेंटल प्रिमाइसिस क्या है इकोनॉमिक्स का? कोई भी आदमी जब अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेता है तो किस चीज पे बेस्ड है? हमारा प्रिमाइसिस डिसीजन क्या इस पे बेस्ड होता है? भैया कम में बम, जो कम में हमको ज्यादा बेनिफिट दे दे, दैट इज आवर बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिमाइसिस। 52, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इकोनॉमी इफ एनी इज विदाउट स्केर्सिटी। चिल्लर, सेम क्वेश्चन फालतू। थ्री, इकोनॉमिक इज मोस्टली कनेक्टेड विद द वर्ड रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रा एडिगेंट तो है नहीं, अनलिमिटेड है नहीं, रिसोर्सेस स्केर्ड है, ये उसका नेचर है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। आपके पास कम समय, कम पैसा और इसके अंदर में मैनेज करना है, सो इट इज मोर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड। एंड रिफर्स टू, एंड रिफर्स टू ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस। क्या ये फिर से वही क्वेश्चन है? नहीं, अब वो मीन्स पूछ रहा है। रिसोर्स रिफर्स टू, रिसोर्सेज रिफर्स टू, आंसर इज नन ऑफ द अबव सर। रीजन,
क्या हमें सिर्फ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लगते हैं? नहीं। क्या सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लगते हैं? नहीं। क्या मनी ही एक रिसोर्स है? नहीं। आंसर इज नन ऑफ द अबव। भैया आप मुझे बताइए, सिर्फ प्रोडक्टिव रिसोर्स से काम चल जाता है क्या? नहीं, सिर्फ प्रोडक्टिव रिसोर्स से काम नहीं चलता। मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। अब इसमें मेथड एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्टिव है ही नहीं। मेथड्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट? मेन प्रोडक्टिव है, आप उससे कुछ प्रोड्यूस करवा सकते हो। मनी एक रिसोर्स है, ये भी रिसोर्स है पर वो प्रोडक्टिव रिसोर्स नहीं है। मशीन इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, आप उससे कुछ बनवा सकते हो। मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। सिर्फ मनी से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ अनप्रोडक्टिव से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रोडक्टिव से भी काम नहीं चलेगा। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हेंस आंसर इज नन ऑफ अबव। बाजू में रीजन लिखिए ब्रैकेट में, फॉर अ बिजनेस वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स। फॉर अ बिजनेस वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव बोथ। Is that done? That's it. रुकते हैं यहीं पे, कल आगे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ एक काम करिएगा, जो एमसीक्यू वापस से जाकर के घर पे सारे एमसीक्यू देखना, जिस एमसीक्यू के अंदर में डाउट होंगे वो डाउट या तो आप भेजना या तो उस कंसेप्ट को एक बार आप जाकर के बुक में पढ़ना। Is that done? Thank you so much. Bye बोलो।